दोस्तों, आज है हमारा डे टू और रात हम रुके थे ललितपुर में, जो आप देख ही चुके हैं होटल। और अभी हम निकल चुके हैं अपने होटल से। हम निकले थे 6:30 पर और आज हमारा प्लान है नागपुर जाने का। हम नागपुर जाके रुकेंगे। तो वापस हम पहुंच गए हैं उसी रोड पे जो पैचेस वाला रोड है। और अभी इस वक्त तो कोई गाय वगैरह नहीं दिख रही है रोड पे, खाली रोड है बिल्कुल। तो लेट्स सी हम कितना खींच पाएंगे आज, कितने बजे पहुंचते हैं। और आज हम जो रूट लेने वाले हैं वो भी थोड़ा डिफरेंट होगा, हम क्योंकि 3:45 पहुंचेंगे इसके अकॉर्डिंग। बट हमें अभी ब्रेक भी लेना है, अभी हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो हम जब आए थे उस टाइम पे हमने छिंदवाड़ा वाला रूट ले लिया था, क्योंकि हमने उस साइड पे एक होटल देखा हुआ था। तो हम NH 44 से हट गए थे और वहाँ पे हमें रोड बहुत ज़्यादा ख़राब मिली थी। तो इस बार हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, हम NH 44 को पकड़ के रखेंगे। और जो रूट हमने लास्ट टाइम नहीं लिया था, पेंच नेशनल पार्क से होते हुए जो जाता है, हम उससे जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि वो रूट कैसा है। और देखो, बाबू ने साइकिल पे ले कर रखी है, तो मतलब जैसे उनको साइकिल चलानी तो स्कूटी ऊपर हो गई और साइकिल नीचे। अभी नागपुर तक का रास्ता हमें 9 घंटे का दिखा रहा है और इसके मैप के अकॉर्डिंग हम 3:45 पे पहुंच जाएंगे अगर हम कोई ब्रेक नहीं लेते। बट अभी हमें ब्रेकफास्ट का ब्रेक लेना पड़ेगा और हम एक लंच का ब्रेक भी लेंगे। तो होपफुली हम सोच रहे हैं कि हम 6 बजे से पहले पहले नागपुर पहुंच जाएं, जैसे कल हम पहुंच गए थे ललितपुर टाइम से। अंधेरे में ड्राइव नहीं करेंगे, अंधेरे में ड्राइव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और हम भी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। नोई भी बहुत थक गया था कल शाम तक। बट टाइम से होटल पहुंचने में एक फ़ायदा है कि हमें काफ़ी टाइम मिल जाता है रेस्ट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। आराम से हमने डिनर किया और हम टाइम से 9 o'clock तक हम सो गए थे कल। तो चलो चलते हैं ललितपुर से नागपुर और मिलेंगे आपको, दिखाते रहेंगे रास्ता कैसा है, कैसा चल रहा है हमारा सफ़र हमारे बच्चे के साथ। बच्चा सुबह सुबह बहुत एक्साइटेड होता है सफ़र के लिए और आफ्टरनून तक आते आते सारी एक्साइटमेंट टाइट टाइट पिस नहीं टाइट टाइट पिस पिस होता है पिस। और ये ओके गाइस, फिर ये हमको पिस पिस कर देता है। चलो फिर चलते हैं, सूरज भी आ गए हैं, सूरज देवता ऊपर बिल्कुल। हेलो सूरज। वापस आ चुके हैं वो पैचेस वाली रोड पे जो हमें मिलेगी कहाँ तक, नागपुर तक। महाराष्ट्र की एंट्री तक। हेलो, सुबह सुबह के 2000 रूट तो लेने
भाई हम पहुंच गए हैं होटल राघव, जहां हम दिल्ली जाते टाइम भी रुके थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, और अब भी फिर से हम ब्रेकफास्ट के लिए यहां पे रुके हैं। तो ये था रोड के ऑपोजिट साइड पे, और हमें यू टर्न लेने के लिए एक्स्ट्रा 6-7 किलोमीटर आगे जाना पड़ा। तो हम वहां से यू टर्न लेके वापस आए हैं, और क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी खा चुके थे तो फिर हम नहीं चाह रहे थे कि किसी नई जगह पे जाएं और वहाँ का ट्राई करें, क्या पता वहाँ इतना अच्छा ना होता। तो यहाँ का तो हमें पता ही है कि खाना अच्छा था, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, थोड़ी देर हमारा ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद हम चलेंगे यहाँ से आगे, अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। उस दिन जब हम रुके थे तो शायद 8 बजे रुके थे, अभी 9 बजे हैं, तो उस वक्त ज़्यादा लोग नहीं थे यहाँ पर, एक हम ही थे जो खा रहे थे। अभी इस वक्त यहाँ पे 2-3 और गाड़ियाँ रुकी हुई है, काफ़ी लोग हैं, बच्चे भी और हैं, और यहाँ पे इनका ये छोटा सा गार्डन एरिया है, और यहाँ पे 2 झोले लगाए हुए हैं, तो नोए के तो उसमें मज़े आ रहे हैं। और हमने उस दिन भी खाए थे प्याज के पराठे, प्याज पराठा, आलू पराठा, तो आज भी हमने वही चीज़ सेम ऑर्डर कर दी है। चलो करते हैं ब्रेकफास्ट। एक बार फिर वही आलू के पराठे, वही प्याज के पराठे। हमारा हो गया है ब्रेकफास्ट, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। अभी हमें शो कर रहा है टाइम 7 hours 12 minutes, 398 किलोमीटर्स लगेगा यहाँ से हमें नागपुर तक पहुँचने के लिए, और हम एक बार और रुकेंगे लंच के लिए तो ये टाइम और थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा। बट कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम 6-6:30 बजे तक नागपुर पहुँच जाएँ, इससे ज़्यादा लेट ना करें। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे हम अभी होटल राघव पे रुके थे क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ठीक था वहाँ के खाने वगैरह का, पर मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी ये बात कि होटल राघव को क्रॉस करते ही काफ़ी सारे लाइन से होटल्स आते हैं जहाँ, जो काफ़ी दिखने में भी बेटर है, तो हो सकता है कि वहाँ पे खाना भी ठीक हो। और तो अगर आप ट्राई करना चाहें आप दूसरे भी ट्राई कर सकते हैं, मैं अभी इस वीडियो में आपको शो कर देती हूँ कौन कौन से होटल्स आ रहे हैं यहाँ पे। अभी देखा आपने एक होटल विनायक था पीछे, साथ में ये होटल दीपाली है, और ऐसे ही काफ़ी सारे इधर होटल आते हैं इसी साइड में आगे जाते टाइम। और क्योंकि हम जा रहे हैं नागपुर की तरफ तो हमें बहुत लंबा यू टर्न लेके इस तरफ आना पड़ा, और तो अगर आप वो अवॉइड करना चाहते हैं तो इसके बिल्कुल सामने भी, होटल राघव के सामने भी एक ढाबा है, श्री राघव करके है, उसके आगे आप थोड़ा सा जाओगे तो आगे जाकर भी एक और जगह आती है, मैं वो अभी आपको दिखा देती हूँ। अभी हमने यू टर्न ले लिया है वहाँ से ये, तो अगर आपने अभी देखा होगा होटल पाथवेज आता है, काफ़ी सही लगता है देखने में, आप चाहें तो आप इधर भी रुक सकते हैं, और इसके आगे भी 1-2 और होटल्स आते हैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको भी ऐसे यू टर्न लेके, मेरे ख्याल से तो नहीं आना चाहिए क्योंकि 7 किलोमीटर आना, मतलब 14 किलोमीटर हो जाएगा आपका टोटल आना जाना, तो वो ठीक नहीं है।
बाईपास वाली रोड लेके हम निकलेंगे अब आगे नागपुर की तरफ, और मेरे ख्याल से होने के बाद आएगा वो पेंच नेशनल पार्क, तो उसका भी देख लेंगे एक बार। कहीं यहाँ ही रोक लेते हैं, हमको लेना है एक ब्रेक, क्योंकि हमने जब से ब्रेकफास्ट किया था 9 बजे के बाद से हम कहीं रुके नहीं हैं, और अभी 1:30 बज गया है, तो हमें कहीं रुकना चाहिए। होली व्हाट, अभी जो टाइम दिखा रहा है 4 बजे, 2.5 घंटे बचे हमारे 135 किलोमीटर्स। हमारा ब्रेकफास्ट करने के लिए जब हमने स्टॉप लिया था तो हमारा टाइम फिर से बढ़ के 5 बजे हो गया था, पर हमने कवर कर लिया वापस 4 बजे, 1 घंटा वापस कम कर लिया, तो हम थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं। अभी ब्रेक लेंगे थोड़ा सा 15-20 मिनट का, और उसके बाद फिर चलेंगे। क्या कर रहे हैं पापा बेटा, ये देख लो, ये मेरे सर पे पता नहीं मालिश कर रहा, जबकि बाल ही नहीं है मेरे, पता नहीं क्या करे जा रहा है। गंजे को हेयर स्टाइलिंग कोशिश कर रहे हैं आपने, वो सेल्समैन सुना गंजे को कंघी बेच दे, गंजे को गंजे को हेयर स्टाइल दे रहा है ये, बताइए आपका भी ऐसा पुत्र हो तो क्या करेंगे। चलिए टाटा बाय बाय। नेशनल पार्क से होते हुए जा रहे हैं, और यहाँ पे ना इन्होंने दोनों साइड, रोड के दोनों साइड पूरे अच्छे से कवर कर रखे हैं, कोई वाइल्ड लाइफ गलती से रोड पे ना आ जाए। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा रास्ता है। कैसा है, रूम्स कैसे हैं, आज रात में वहां रुक सकते हैं या नहीं। Yes, we can go there. Wow, wow, wow. अभी टाइम दिखा रहा है 20 मिनट्स वहां तक के लिए। Look, 20 minutes is over there. चल के देखते हैं। सो ये है होटल स्प्रिंगडेल स्वीट्स इन नागपुर, और आज रात हम यही रुकेंगे। चलो आपको एक रूम टूर दे देती हूँ। सो रूम इज स्पेशियस विद अ किंग साइज बेड, दे हैव प्रोवाइडेड अ टीवी, अ फुल लेंथ मिरर, there's a cupboard and this huge window. They have also provided this small table. Let's check out the washroom. It's nice and clean. So that's it for this video. If you enjoyed watching this video, then do give it a like and drop a comment for us, and also don't forget to subscribe to our channel. Bye bye, take care.